और ये है लेट्स रिलैक्स थाई मसाज। और मैं कह रहा था ना आपसे पिछले वाले वीडियो में, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने ये स्टैचू ऐसा बना के ऐसा रखा हुआ है। तो बहरीन में ये चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं जो काफ़ी यूनिक सी है मेरे लिए। तो मैंने इस टाइप की कोई चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की पहले। इस समय दुबई में भी रहा हूँ, अबू धाबी में रहा हूँ, और अभी सऊदी में पिछले 16-17 सालों से रह रहा हूँ, कैम वज़ीर हूँ। तो मेरे लिए ऐसा है कि जैसे नया नया एक्सपीरियंस है। देखें, अंदर भी एक है बैंकॉक थाई मसाज। और ये मैंने ले ली है शोरमा, मैं लेने गया था शोरमा, और एक कड़ची भी मैंने ले ली है अभी। और अभी मार्केट बंद होने का टाइम है ये बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, अराउंड 11 बज रहा है कुछ। और अभी ये जो है ना ओल्ड टाउन सिटी पूरा बंद हो रहा है अभी, और मैं ऐसे भटक रहा हूँ बेकारी में, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है, आपको सिटी दिखाना है, और बिल्कुल आराम से दिखाना है, फनान से। सिटी होटल, और मैंने कहा था कि बहरीन में ये जो एरिया है ना जहाँ मैं अभी कैम वज़ीर हूँ, यहाँ पर ज़्यादा वन हूँ, जो रोड हैं, सड़कें हैं वो तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, प्यारी प्यारी सी सड़कें हैं, रोड हैं, और हर जगह लिखा हुआ है भाई पार्किंग नहीं करना है। अगर पार्किंग करें तो आप अपने रिस्क पे पार्किंग करें। जैसे देखें, यहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ है पार्किंग नो पार्किंग एट एनी टाइम, करें तो अपने रिस्क पे करो, और गाड़ी उठा के ले जाएंगे वो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये एक नेपाली रेस्टोरेंट है, यहाँ देखिए आप अंदर में, ये है न्यू हमरो नेपाली रेस्टोरेंट। तो बहरीन में नेपाली कम्युनिटी भी ठीक ठाक है मुझे लगता है, और काफ़ी वाइब है उनकी, फील है नेपालियों की है काफ़ी वाइब, यहाँ पे बंगालियों की वाइब है ठीक ठाक लगता है मुझे। मेरे एक साथी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कुछ जो पुराने बंगाली आए थे बांग्लादेश से और इंडिया से, उनको यहाँ की नेशनलिटी भी यहाँ की हुकूमत ने दी थी। यहाँ गवर्नमेंट जो है ना, पुरानी या अभी जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी एक्सपेट्रिएट को सपोर्ट करती है यहाँ की गवर्नमेंट। और यहाँ पर कल मैंने एक साथी से मुलाकात की थी, उनसे बात हुई थी मेरी गुफ्तगू, तो उस दौरान उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है ना आप अपना CR भी निकाल सकते हैं, आप अपना वीज़ा भी निकाल सकते हैं, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पर कफ़ील की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको कफ़ील की ज़रूरत बहरीन में नहीं पड़ेगी, आप अपना भी CR निकाल काम कर सकते हैं। एक साथी ने मुझे कल ही ये चीज़ बताई थी, तो ये एक अच्छी और प्यारी चीज़ मुझे लगी, जो दूसरे अरब ममालिक में नहीं है, दूसरे अरब के मुल्कों में नहीं है, जो बहरीन में है। उन्होंने कुछ शरायत उसमें बताए थे, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको बहरीनी चाहिए चाहिए, नहीं तो आप अपना भी CR निकाल के यहाँ पे कारोबार, अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी बहरीन की, कि जिनके पास में कैपिटल है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वो बहरीन में आके अपना भी कारोबार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कूल सी है और सपोर्टिव है, मैंने सुना है। तो जब यहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें क्या है, बिजनेस को फ्लोरिश होने में, बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। यह है यूज्ड फोन बाइंग एंड सेलिंग, उसके बाजू में है ये कोई ट्रेडिंग हाल ने ब्रास ट्रेडिंग, और मैं चला अपनी गेस्ट हाउस की तरफ। लगता है ये कोई भाई नेपाली है, साइकिल चला रहे हैं।
देव जी। ये नाइट की वाइब से देखें आप, रात में जो है ना वो एक अलग सी फील होती है, जब सड़कें सुनसान हो, वीरान हो, कोई भी ना चलता हो या बहुत कम लोग चलते हो, तो एक अलग सी। और ये एक यहाँ पर वो है कैफ़े है जो पुराने दौर की याद दिलाती है, जब रोमन्स थे, पर्शियंस थे, ईरानियंस थे, उस दौर की चीज़ें। ये कोई बिल्डिंग है जीना प्लाजा लिख करके दिखा रहे उसको, और ये यहाँ पे एक सैलून है, लुकआउट सैलून। अच्छा, यहाँ बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है, आप देखें लिखा है WLL। यहाँ पे जितने भी लाइसेंस हैं वो सारी वर्ल्ड लेवल लिमिटेड है। WLL का मतलब होता है वर्ल्ड लेवल लिमिटेड। और ये है यतीम, चले फिर मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।